ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अब सभी इधर फोकस करेंगे, सेलफोन्स अंदर, बुक्स बाहर, पबजी वगैरह बंद कर दें सब, और स्नूकर भी। चलो बुक्स निकालो फटाफट से, और सभी इधर फोकस करेंगे। पहले हम रिवीजन करने जा रहे हैं थोड़ा सा। लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? लेबर कॉस्ट का। जब हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं। एक तो हम बात कर... हाँ जी इधर बस अरे 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 बस एक तो हम बात करते हैं लेबर के अंदर किस चीज की? बेसिक वेजेस की। और इसके अंदर और क्या जोड़ते हैं हम? अदर accruances for the purpose of employment, मतलब कोई भी और उसको पैसे मिल रहे हैं employment के चक्कर में, तो उसको भी जोड़ा जाता है labor cost के अंदर। फिर हमने study किया था कि labor cost, labor दो तरीके की हो सकती है, direct भी हो सकती है, indirect भी हो सकती है। direct का मतलब वो जो production से link रखती है, directly आप production में बता सकते हो कि कितना इसका labor का खर्चा हो रखा है। indirect का मतलब क्या हो गया? जो आप production से link directly नहीं कर पा रहे। फिर हमने कुछ बात की थी efficiency की, फटाफट से बताएंगे। एफिशिएंसी के दो फॉर्मूला थे, एक था आउटपुट बेस्ड और एक इनपुट बेस्ड। जब हम आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय इनटू 100। और यहां पे क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। इस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकालना सीखा था। अच्छा मुझे बताना, जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं इसका पर्पस कैसे यूज किया था? हमने देखा था कि हमारी लेबर क्या एफिशिएंटली काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अगर वो एफिशिएंटली काम कर रही है तो हम उसको क्या प्रोवाइड करते थे? बोनस। हम उसको बोनस देने की बात कर रहे थे। तो हमने बोनस देखा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जहां पर बोनस कितना देना है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा, मतलब क्वेश्चन बताएगा कि इस तरीके से आपने बोनस पे करना है। और कुछ होते हैं स्कीम स्पेसिफिक, कि हमें स्कीम बताएगी, जहां पे नाम लिख दिया जाएगा स्कीम का, और जो भी स्कीम में होता है वो आपको याद होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक की। इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया भी था, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हमने देखा था कि स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग बात हो रही थी। जितना आपने टाइम बचाया उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ हिस्सा जो टाइम बचाया है उसका दे दिया जाता था। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। पढ़ के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एन एम्प्लॉई वर्किंग अंडर अ बोनस स्कीम सेज 10 आवर्स इन अ जॉब, यानी कि उसने 10 घंटे बचा दिए हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स, तो उसने काम कितने घंटों में कर दिया होगा? 50 घंटों में काम कर दिया है। 60 घंटे बोला गया था कि 60 घंटे में काम कर दो, उसने 50 घंटे में ही काम कर दिया। एफिशिएंट है या नहीं? बिल्कुल एफिशिएंट है। कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्कड, मतलब कि अगर वो एक घंटा काम करता है तो उसका इफेक्टिव आर्ली रेट कितना निकल के आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के इसके अंदर भी डाउट आ रहे थे, मैं इसको और क्लियरली आज समझा दूंगा। एंड वेजेस पेबल टू अ वर्कर इफ इंसेंटिव बोनस इज 10% ऑन आर्ली रेट। आर्ली रेट मतलब उसका आर्ली रेट है क्या? 5 रुपए का। आर्ली रेट मतलब 5 रुपए पे 10% उसको बोनस मिलेगा। इज पेबल व्हेन स्टैंडर्ड टाइम नेमली 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। अच्छा उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 120%। कैसे निकाला?
60 अपॉन 50 इनटू 100 120%, तो 100% तो एफिशिएंसी उससे ज्यादा ही है, तो अभी तक बोनस कितना हो गया उसका 10% का। एंड फर्दर इंसेंटिव बोनस ऑफ 1% ऑन आर्ली रेट फॉर ईच 1% इन एक्सेस ऑफ दैट ऑफ 100% एफिशिएंसी इज पेएबल। अब अगर देखें हम इसको, हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 60 आवर्स, एक्चुअल आवर्स 50 आवर्स, 10 आवर्स हो गए टाइम सेव्ड। इसके अंदर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100 व्हिच इज इक्वल टू 120%। जब हम यहाँ पे बोनस की बात कर रहे हैं, बोनस किस पे कैलकुलेट किया जा रहा है, ऑन वेज रेट। अभी कॉपी नहीं करना, अभी सब सुनने पे ध्यान देंगे। तो उसकी एफिशिएंसी एक तो 10% तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो अचीव हो ही रही है। 100% से कितना ज़्यादा है 20%, और हर एक परसेंट जो 100% से ज़्यादा है उसके लिए उसको कितना बोनस मिलेगा 1% का, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस 20% का, तो टोटल बोनस हो गया उसका 30% ऑन वेज रेट। यहाँ तक कोई डाउट्स? दोबारा से, जब हम बात कर रहे हैं 100% एफिशिएंसी की, तो उस पे उसको कितना बोनस मिल रहा है 10% का, और उसके बियॉन्ड वो बोल रहा है जितना 1% ज्यादा एफिशिएंट होगा बियॉन्ड 100% उसके लिए 1% का एडिशनल बोनस मिलेगा, तो 20% एडिशनल बोनस हो गया, तो टोटल बोनस 30% ऑन वेज रेट। तो बोनस का अगर मैं अमाउंट बात करूं तो कितना हो जाएगा 30% इंटू रुपीज 5 पर आर विच इज इक्वल टू रुपीज 1.5 पर आर। अगर मैं उसको टोटल वेज रेट की बात करूं तो उसका टोटल वेज रेट कितना हो गया 5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू रुपीज 6.5 पर आर। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करूं वेजेस पेबल, पहला तो वेज रेट निकल के आ गया, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो क्लियर है हमें। अच्छा, वेजेस पेबल कितने हो जाएंगे रुपीज 6.5 पर आर मल्टीप्लाइड बाय 50 आवर्स विच इज इक्वल टू 300 रुपीज, 350 रुपीज, 25 बोला आपने, वो एक्चुअली ठंड बहुत हो रखी है तो सुनाई नहीं दिया मुझे। 325 रुपीज, कोई डाउट्स इसके अंदर? क्लियर है ये चीज? चलो फटाफट से कॉपी कर लेना इसको। किसी को इसके लिए नोट की रिक्वायरमेंट लग रही है, ये जो बोनस के बारे में लिखवा है नोट की रिक्वायरमेंट लग रही है तो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ समझ में आ गया ये, फटाफट से इसको कॉपी कर लो। जो भी बच्चे बाद में आए हैं इसको अभी के लिए कॉपी कर लेना फटाफट से। ऐसी स्पीड दिखाएंगे कि एग्जाम में 2 मिनट बच रहे खत्म होने में और पेपर मिल गया आपको आंसर शीट, इतनी तेज कॉपी मार के दिखाएंगे। जिनका भी कॉपी हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखेंगे।
Question number 5. चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना शुरू करते हैं. जो भी अभी आए हैं फटाफट से नोट्स निकालेंगे, रजिस्टर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फोकस करेंगे. यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 3 वर्कर्स एक्स वाई जेड. तीनों के अलग अलग रेम्यूनरेशन निकालनी है, पूरे महीने में कितना कमाते हैं ये. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर कितनी होनी चाहिए, 1000 की, और एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ मंथ 800, 700, 900. इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन हो रही है. तो मुझे बताओ पहले तो एफिशिएंसी का परसेंटेज निकल सकता है, कैसे निकलेगा, 800 डिवाइडेड बाय 1000 या 1000 डिवाइडेड बाय 800? 800 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि आउटपुट के टर्म्स में बात हो रही है. तो ये 80% एफिशिएंट हो गया, ये 70%, ये 90%. पीस वर्क रेट, अच्छा पीस वर्क का मतलब क्या होता है, पर पीस. दो तरीके के हमने पेमेंट्स की बात की थी, एक जहां पे पेमेंट होता था आर्ली बेसिस पे और एक आउटपुट के अकॉर्डिंग. तो ये आउटपुट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं. पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 15 पैसे. डीए पे करेंगे 40 रुपए पर मंथ फिक्स्ड है ये. एचआरए पे करेंगे 20 रुपए पर मंथ फिक्स्ड है ये. एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज फॉर ईच परसेंटेज. यहाँ पे ध्यान देना परसेंटेज, क्योंकि हमें क्वेश्चन खुद ही बता रहे हैं. हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे बोनस क्वेश्चन बताएगा कैसे निकालना है बोनस. तो यहाँ पे बोल रहे हैं 5 रुपए पर परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75% ऑफ स्टैंडर्ड. मतलब अगर एफिशिएंसी 75% से ज़्यादा होगी तो जितना भी परसेंटेज ज़्यादा होगी हर एक परसेंटेज का 5 रुपया मिलता जाएगा. समझ में आया? अब इसको लिख के देखते हैं फिर और क्लैरिटी मिलेगी. चलो एक और बार रिपीट करते हैं इसको. यहां पे कह रहे हैं ध्यान से आओ जल्दी जल्दी. एडिशनल प्रोडक्शन बोनस, बातें नहीं अरे बस. एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट द रेट ऑफ ₹5 फॉर ईच परसेंटेज. मतलब हर परसेंटेज का 5 रुपया मिलेगा ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75% ऑफ स्टैंडर्ड. मतलब अगर हमारी एफिशिएंसी 75% से ज्यादा जाएगी तो जितनी भी ज्यादा होगी हर परसेंटेज का 5 रुपया मिलता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नहीं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही बता रहे हम. तो जैसे मान लो इसके केस में ये कितना परसेंट एफिशिएंट था, एक्स 80%. तो इसको कितना बोनस मिलेगा, 5 × 5 ₹25. समझ में आया ये? इसको लिखना शुरू करते हैं. किसी को भी अगर डाउट हो तो लिखने से पहले एक बारी देख लेना, और कहीं पे भी डाउट्स हो तो साथ साथ में पूछ लेना. हाँ, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा डाटा दे रखा हो जहां पे आपकी प्रोडक्शन से लिंक कर दें इसको, तो फिर एक अलग चीज हो जाती है. अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप फिक्स्ड ही मान के चलेंगे.
फटाफट से बताओ, पीस वेज में किसी को डाउट? डीए और ये तो कांस्टेंट है, बोनस में किसी को डाउट? क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। जिनका भी ये हो गया हो, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आपके लिए सीट रखी हुई थी हमने। डन, जिनका भी हो गया वो क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्राई कर सकते हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है तो ट्राई कर सकते हैं आप। चलो देखते हैं आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्राई करके देखो, किस चीज का? यस करेक्ट, चलो एक बारी डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इधर फोकस करना। स्टैंडर्ड आवर्स 100, द जॉब, जॉब का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर काम, आपको स्पेसिफिक कोई काम मिला हो, हैज बीन कंप्लीटेड बाय अमर इन 60 आवर्स, यानी कि एक्चुअल आवर्स अमर को 60 आवर्स लगे, अकबर को 70 और एंथनी को 95 आवर्स। तो मुझे बताओ तीनों एफिशिएंट है या नहीं है? 100% से भी ज्यादा एफिशिएंसी रखते हैं इसके अंदर। परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड, सॉरी टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, अगर इतना इतना परसेंटेज होगा तो इस तरीके से बोनस मिलेगा। अब ध्यान रखना यहां पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं बोनस की, इसकी टर्म्स और क्वेश्चन नंबर थ्री की टर्म्स डिफरेंट हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है टाइम सेव्ड बोनस अप टू नेक्स्ट बैलेंस, इस तरीके से लिखा हुआ है।
और यहाँ पे लैंग्वेज ये कहती है कि अगर सेव्ड परसेंटेज इस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम स्लैब रेट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके सिर्फ एक ही परसेंटेज लेके जाएंगे। कहने का मतलब इसकी कैलकुलेशन में बोनस में थोड़ा सा फर्क आएगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3 ड्यू टू लैंग्वेज। अभी क्या फर्क है, अभी कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द रेट ऑफ पे इज ₹10 पर आवर। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच वर्कर एंड ऑल्सो द रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे शुरू करते हैं इसको। पहले आ जाता है टाइम अलाउड। टाइम अलाउड है 100 आवर्स, 100 आवर्स, 100 आवर्स टाइम टेकन। अच्छा, इधर फोकस करना, जिसको भी कोई भी डाउट है वो इधर फोकस करेंगे। अगर आपको डाउट है और आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेक्चर में आपको ध्यान देना है कि यार ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझने के बाद फिर कॉपी करो, मैं आपको टाइम दे दूंगा पूरा। टाइम सेव कितना हो गया अमर के केस में? 40 आवर्स, 30 आवर्स, 5 आवर्स। यहाँ तक कोई डाउट्स? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। तो जाहिर सी बात है, कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 40 डिवाइडेड बाय 100 इन टू 100, तो 40% हो गया। कोई डाउट है इसके अंदर? 30 डिवाइडेड बाय 100 इन टू 100, 30%। 5 डिवाइडेड बाय 100 इन टू 100, 5%। यहाँ पे हमने एफिशिएंसी क्यों नहीं निकाली? क्योंकि क्वेश्चन बोनस के लिए अलग तरीका बता रहा है, तो जो क्वेश्चन बता रहा है उसको फॉलो करो आराम से। समझ पा रहे हैं ये चीज? अगर क्वेश्चन कुछ और कहता है तो आप वो फॉलो करते। क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला हम इस तरीके से बोनस देना चाह रहे हैं, तो आप उस तरीके से बोनस करेंगे डिक्लेयर। समझ पा रहे हैं ये चीज? अच्छा मुझे बताओ, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड पहले वाले के केस में 40% है, तो वो कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? थर्ड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर तो सीधा सीधा उसको 20% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? पहले का इतना दो, अगले का इतना दो, फिर अगले का इतना दो, इस तरीके से डिवाइड करना था, स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना था। बट यहाँ पे क्या फॉलो करना है? सीधा यहाँ पे ब्रैकेट में फॉल करें तो इतना बोनस, खत्म बात। क्योंकि लैंग्वेज में फर्क है। दोनों क्वेश्चन समझ में आते हैं, डिफरेंस क्या है? कोई डाउट्स हैं किसी को भी? क्लियर है? तो पहले तो यहां पे आ जाएंगी बेसिक अर्निंग्स, बेसिक वेजेस। इसकी होगी 60 आवर्स इंटू 10 रुपीज, 70 इंटू 10, 95 इंटू 10, 600, 700, 950 प्लस बोनस। पहले वाले के अंदर कितना बोनस मिलेगा इसको? 20% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना है? 40 आवर्स इंटू 10 रुपये। तो देखा जाए तो कंपनी ये बोल रही है, जितना आपने हमारा टाइम बचा के दिया है, यानी कि 40 घंटे बचा के दिए हैं, अगर आप 40 घंटे काम करते तो हमने तो पहले से ही सोच रखा था कि 40 घंटे की पेमेंट और करनी करनी है। हमने तो स्टैंडर्ड 100 घंटों का रखा ही था, तो आपने 40 घंटे का यानी कि 10 रुपए के हिसाब से 400 रुपए हमारे बचा के दिए। इसका कुछ हिस्सा आप बोनस के तौर पे रखो, बाकी हमारा पैसा बच रहा है। तो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है, लेबर को मोटिवेट कर रही है कि हाँ यार आप एफिशिएंटली काम करोगे तो आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। वही काम उसने 60 घंटे में कर दिखाया। समझ पा रहे हैं ये चीज? कितना हो गया ये? 80 टोटल हो जाएगा, 680। अच्छा मुझे बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा, कितना परसेंटेज है? 30%। तो अगेन सेम ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, 20% इंटू 30 आवर्स इंटू 10 रुपीज, कितना हो गया ये? 60 रुपीज, 760। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, ये किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? पहले वाले के अंदर 10% इंटू 5 आवर्स इंटू 10 रुपीज, 5 रुपये, 950। 5।
हमने 8 को इनटू 10 क्यों किया? कौन सा? जब हमने बोनस में फर्स्ट केस में 8 को इनटू 10 किया, ये इनटू 10 जो किया इसमें, हाँ ये तो उसको पर आर्ली रेट मिलेगा ना, तो कंपनी कह रही है कि 400 रुपए हमारा बच रहा है, कंपनी के 40 घंटे बचा के दे रहा है ना एम्प्लॉई, तो 40 घंटे के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 400 रुपए बच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है टाइम सेव्ड। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? 680, 760 और 955। मुझे बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जा रहा है? एंथनी के पास। और सबसे कम एफिशिएंट कौन है? एंथनी। तो बच्चों के दिमाग में आता है सर सबसे कम एफिशिएंट और सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, हमारे जैसा है बिल्कुल, बट उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है ये समझ के देखना। जब हम इफेक्टिव वेज रेट निकालते हैं, या इफेक्टिव आर्ली रेट भी बोल सकते हैं इसको, ये आ गया अमर अकबर एंथनी, तो इसका कैसे निकलेगा? 680 रुपीस डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, 760 रुपीस डिवाइड बाय 70 आवर्स, रुपीस 955 डिवाइड बाय 95 आवर्स, कितना हो गया अमाउंट्स? 11.33 पर आर। यहाँ पे कितना हो गया? 10.85 पर आर, 10.0 पर आर। अगर आप देखें तो इसने अमर ने कम घंटे काम किया और हर आर के हिसाब से ज्यादा कमाया, इसने ज्यादा घंटे काम किया और हर आर के हिसाब से कम कमाया। और लेबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्ली कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि लेबर का मतलब ही होता है जो आप अपना मैन पावर टाइम लगा रहे हो उस चीज के अंदर, तो टाइम की वैल्यू ज्यादा इसको मिल रही है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसके जितना भी घंटे बच रहे हैं वो कहीं और लगा सकता है, कुछ और काम पकड़ सकता है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कमाएगा वो। समझ पा रहे हैं ये चीज? क्लियर है? तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है क्वेश्चन की, बिल्कुल। अच्छा एक और डाउट आया था, इफेक्टिव वेज रेट का मतलब क्या होता है? जैसे होता क्या है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं लेबर को दे रहा हूं 10 रुपए पर आर, तो मेरी जेब से जो जा रहा है उसे तो मैं बोलूंगा वेज रेट, बट जो लेबर कमा रहा है पर आर के हिसाब से उसे बोलेंगे इफेक्टिव वेज रेट, उसका इफेक्टिव आर रेट जो वो कमा रहा होता है। फर्क समझ में आता है? मैं तो 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं, बट वो हर घंटे का कितना कमा रहा है उसे बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट या इफेक्टिव आर रेट। समझ में आता है फर्क? कोई डाउट्स हैं इसके अंदर? इसको कॉपी करते हैं। जिनका भी ये हो गया हो कॉपी वो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ सकते हैं, सॉल्व मत करना सिर्फ रीड करके देखना।
7 चलो क्वेश्चन नंबर 7 अभी कुछ भी लिखना नहीं है इसके लिए, ये मेरे को थोड़ा पिक करना है क्योंकि यहाँ पे स्कीम बेस्ड बोनस स्टार्ट होंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पहले एनालिसिस करते हैं। अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स इन अ वीक, तो ये क्या हो गया एक्चुअल आउटपुट। द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज 81 रुपीज, यानी कि एक्चुअल टाइम हो गया 45 आवर्स और ये पेमेंट हो गई है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड मतलब स्टैंडर्ड की बात शुरू हो चुकी है, टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज 15 मिनट विच इज रेस्ड बाय फर्दर 20%, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए 15 मिनट प्लस 20% कितना हो गया ये 18 मिनट पर यूनिट को लगना चाहिए या लग रहा है, लगना चाहिए है। जब लगना चाहिए है की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड की बात हो रही है। अंडर द इंसेंटिव स्कीम ये जो पार्ट लिखा है, वॉट विल बी द अर्निंग्स पर आवर ऑफ दैट वर्कर, ये भी समझ में आता है हमें। अंडर हेल्से एंड रोवन बोनस स्कीम, कहने का मतलब हमें यहाँ पे स्कीम लिख दी गई है और आपको स्कीम याद होनी चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ ये बताएगा कि ये स्कीम अप्लाई करके हमें बताओ कि कितना कमा रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्कीम बेस्ड है और आपको स्कीम पता होनी चाहिए कि स्कीम है क्या, समझ पा रहे हैं। अगर इसकी जगह ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह लिखा होता कि ये बोनस है तो हम वैसे कर ही चुके हैं, बट एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे बोनस ये स्कीम बेस्ड आते हैं और हेल्से रोवन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, यूजली इसमें से पिक हो जाता है क्वेश्चन। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्कीम्स है क्या। सिंपल सी बात है, मान लो टाइम अलाउड है 10 घंटे का, टाइम टेकन है 8 घंटे, तो आप टाइम सेव कितना करके दे रहे हो कंपनी को 2 घंटे, यानी कि आप कंपनी की 2 घंटे की पेमेंट बचा के दे रहे हो। अगर मान लो हम ₹50 पर आर पे कर रहे हैं तो आप उसके कितने रुपए बचा के दे रहे हो, ₹100 बचा के दे रहे हो। इस बात से एग्री करते हैं, कंपनी पहले कितने रुपए देने के लिए तैयार थी, कंपनी ₹500 देने के लिए तो तैयार ही है, बट आपको एक्चुअल में अभी कितना पे कर रही है सिर्फ ₹400। अगर लॉजिकली एक एज ए एम्प्लॉय सोचा जाए या लेबर सोचा जाए, आपको बोला जाए कि अगर आप 10 घंटे के लिए 10 घंटे में काम करोगे आपको ₹500 मिलेंगे, और आपको बोला जाए उससे कम में करके दिखाओ और कोई इंसेंटिव ना रखा जाए, तो कभी आप करोगे? फॉर एग्जांपल मान लो सी इंस्टीट्यूट कहता है 3 घंटे का पेपर है, जितने जल्दी करके दोगे ना उतने एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, बच्चे तो सिर्फ नाम लिख के आ जाएंगे, कह दो कि आप पास कर दो हमें बस, समझ पा रहे हैं ये चीज़। जब तक आपके सामने कोई इंसेंटिव नहीं रखा जाएगा तब तक आप कोई भी एफिशिएंटली काम नहीं करना चाहोगे। इसी तरीके से लेबर भी होती है, अगर लेबर के सामने ये एफिशिएंसी का ये कॉन्सेप्ट ना रखा होता तो वो क्या करती, वो ₹500 में ही काम करके देती है आपको या ज़्यादा ही लेती है आपसे उल्टा, समझ पा रहे हैं चीज़। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज का टारगेट ये होता है कि हमें लेबर कॉस्ट भी कम करनी है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। याद है लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था हमने, हमें लेबर कॉस्ट भी कम करनी है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, तो उसके लिए वो ऐसी स्कीम्स लेकर आ रहा है। कंपनी कह रहा है देखो यार इसने ₹400 तो हमने इसको देने ही देने हैं, अगर ये इस तरीके से काम करता यानी कि 10 घंटे में काम करता तो हमें इसको ₹100 और देने पड़ते, उल्टा इसने हमारे कितने पैसे बचा दिए ₹100। तो ऐसा करो हेल्से के अंडर 50% इसको दे दो इसका, मतलब जितना भी पैसा बचाया है उसका कितना दे दो इसको 50%, तो इसके पास कितनी पेमेंट आ जाएगी ₹400
प्लस 50 रुपए, यानी कि 450 रुपए कमाएगा कितने घंटे काम करके, 8 घंटे, 8 घंटे काम करके। कोई डाउट यहां तक? यहां तक समझ में आता है हमें? रॉबन स्कीम क्या कहती है? रॉबन स्कीम कहती है बेसिक पेमेंट तो सेम ही रहना है, प्लस जितना भी पैसा बचाया है इसका फॉर्मूला ऐसे पुट करो, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, 80% हो गया सीधा, 80 मतलब देखा जाए तो 8 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। टाइम टेकन कितना है? 8 घंटे। टाइम अलाउड कितना है? 10 घंटे। समझ पा रहे हैं? तो 8 बाय 10 कर दो इसका, तो कितना हो गया? 80 रुपीज, तो 480 रुपये डिवाइड बाय 8 घंटे करेंगे तो इफेक्टिव आवरली रेट निकल आएगा। तो ये स्कीम्स है, यहाँ तक कोई डाउट्स? यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा फायदेमंद कौन सी स्कीम दिखी इस केस में? रॉबन वाली। अगर लेबर के हिसाब से बात करें तो रॉबन वाली ज़्यादा अच्छी दिखी उसके लिए। यहाँ तक एग्री करते हैं सब? अच्छा, अगर सेम डाटा है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है जितना भी लिखा हुआ है, मैं बस कहता हूँ टाइम टेकन हमारा 3 घंटे का है, और मेरा क्वेश्चन सिंपल है, जो रॉबन वाली स्कीम है तो उल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 9 घंटे में काम करे तो उसे टेक्निकली ज्यादा बोनस मिल रहा है, अगर 8 घंटे काम करे उसे कम बोनस मिल रहा है। कैसे कैसे? हाँ बिल्कुल 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 ज्यादा बोनस मिलेगा, बिल्कुल अभी वही चीज पिक करने लगा हूँ मैं। ये प्रमोट कर रही है? नहीं, ये स्कीम रॉबन का ये फॉर्मूला है उनके, उन्होंने ये जो इन्वेंट किया है, उन्होंने ये बोला टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड के रेशियो में ही हम देंगे बोनस। अब इस स्कीम के अंदर तो इसका फायदा दिख रहा है, बट जब ये काम जल्दी करके दिखाएगा ना, तब क्या सिचुएशन बैठती है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो आपने अभी केस बोला कि ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे तो उसका नुकसान है, बिल्कुल करेक्ट है, कैसे है वो देखते हैं। मान लो सारा डाटा सेम है, 10 घंटे 50 रुपये पर आर के हिसाब से पेमेंट है, बस टाइम टेकन 3 घंटे का है, तो मुझे बताओ हेल्से का टोटल पेमेंट कितना होगा और रॉबन के अंडर टोटल पेमेंट कितना होगा कैलकुलेट करके। ₹325, तो है ही इसका। अच्छा, वो सॉरी, यस 3 × 50 विच इज इक्वल टू 150 प्लस 50% 7/50 कितना हो गए? 325, यहाँ पे 150 तो हो ही गया बेसिक, प्लस टाइम टेकन 3, टाइम अलाउड 10 इंटू 7/50, ये कितना हो गया? 255। तो जब वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी कि 3 घंटे में काम कंप्लीट करके दे रहा है, तो उस केस में किसको ज्यादा दिख रहा है, कौन सी ज्यादा अच्छी स्कीम दिख रही है? हेल्थ स्कीम। तो यही डिसीजन लेना होता है कि यार हेल्थ स्कीम ज्यादा अच्छी रहेगी इंप्लॉय के अकॉर्डिंग, रॉबन स्कीम ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आपने देखा इस वाले केस के अंदर कौन सी स्कीम ज्यादा अच्छी रही? रॉबन वाली। बट इस वाले केस के अंदर हेल्से वाली। एक और कैलकुलेशन देखते हैं। अगर टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 आवर्स होते तो इक्वल पेमेंट्स आएंगी, कितनी कितनी आ रही है? 375 हेल्से के अंदर, 375 रॉबन के अंदर। जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो सेम ही आएगी। इसके बारे में अभी मैं नोट लिखवाऊंगा। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूजन दे सकता हूँ? पहले तो हेल्से रॉबन की स्कीम समझ में आती है हमें, इसके अंदर कोई डाउट्स तो नहीं है, कैसे निकालेंगे हम? अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर टाइम सेव्ड, हमारा जो टाइम सेव्ड है इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम अलाउड, तो कोई भी स्कीम पिक कर लो सेम ही आंसर निकल के आएगा। इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? ये भी नोट लिखवाऊंगा मैं दोबारा से। टाइम अलाउड का आधा है ना, ये 10 का आधा हो गया 5, और टाइम सेव्ड कितना है? अगेन 5 घंटे। जब ये दोनों बराबर है, यानी कि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब ये दोनों बराबर है तो कोई भी स्कीम पिक कर लो हमारे लिए सेम ही बैठेगा। कोई डाउट्स हैं इसके अंदर? दूसरे केस के अंदर अगर ये ग्रेटर देन है तो
टाइम सेव्ड इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ टाइम अलाउड. रॉबन या हेल से? चलो इसको पिक कर लेते हैं, इसको डिटेल में पिक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. टाइम सेव्ड हाफ ऑफ टाइम अलाउड. केस वाइज पिक करते हैं इसको. 1, 2, 3. अच्छा पहले वाले केस के अंदर टाइम सेव्ड कितना था? फटाफट से बता दो. 2 आवर्स. और हाफ ऑफ टाइम अलाउड 5 आवर्स. तो जब ये ऐसा बैठ रहा है तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रहा? रॉबन वाला स्कीम. सेकंड वाले केस के अंदर टाइम शिफ्ट कितना था हमारा? 7 आवर्स. 5 आवर्स. तो जब ऐसा केस बैठ रहा है तो. और आखिरी वाले केस के अंदर 5 = 5. तो कोई भी पिक कर लो, रॉबन या हेल से. ये स्कीम है, ये स्कीम बनी हुई है, इस तरीके से ही याद करना है आपको. कोई डाउट्स है इसके अंदर? क्लियर है यहाँ तक? हम लिखना शुरू करें इसके बारे में. लिखना हेडिंग देना, स्कीम बेस्ड बोनस प्लान्स. स्कीम बेस्ड बोनस प्लान्स. पॉइंट नंबर 1, हेल्से बोनस स्कीम. हेल्से बोनस स्कीम लिखना. अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, द बेसिक वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्ली रेट. फुल स्टॉप. इन एडिशन बोनस is paid as follows. पॉइंट नंबर 2, रॉबन बोनस स्कीम. रॉबन बोनस स्कीम ये हमेशा 50% होता है. बट अगर एग्जाम के क्वेश्चन में आपको लिखा हो कि आपको यही हेल्थ स्कीम फॉलो करनी है और कोई और परसेंटेज लिखा हो तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 50% होता है हमेशा. यही फॉर्मूला फॉलो करना है आपने. रॉबन, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम बेसिक वेजेस इज पेड एज पर आर्ली वेज रेट. फुल स्टॉप. एंड बोनस इज कंप्यूटेड एज फॉलोज.
लिखना नोट नोट कंपैरिजन बिटवीन हेल्से एंड रॉबन स्कीम्स हेल्से एंड रॉबन स्कीम देखना पॉइंट नंबर वन इफ टाइम सेव्ड इज लेस देन हाफ ऑफ टाइम अलाउड वी शुड गो फॉर रॉवन We should go for Rowan bonus scheme. Point number two. If time saved is more than half of time allowed. We should go for Halsey bonus scheme. Point number three. If time saved is equal to half of time allowed, any of the two schemes any of the two schemes can be picked can be picked question number 7 हेल्से से भी सॉल्व करने और रॉवन से भी पहले एक वर्किंग नोट बना सकते नीचे नेक्स्ट पेज पर बना देना अच्छा मुझे बताओ टाइम टेकन कितना है 45 आवर्स इरिस्पेक्टिव कोई भी स्कीम पिक करे 45 आवर्स ही लगे हैं उसको इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें टाइम अलाउड 50 आवर्स 50 आवर्स कैसे निकाला हमने 60 आवर्स कैसे निकाला हमने 18 मिनट्स इंटू 200 पहले तो मुझे बताओ एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए 15 मिनट प्लस 20% विच इज इक्वल टू 18 मिनट इतना लगना चाहिए हमने 200 यूनिट पे कितना टाइम लगाना चाहिए था फिर 200 इंटू 18 मिनट्स पर यूनिट विच इज इक्वल टू 3600 मिनट्स इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 60 आवर्स कोई डाउट है इसके अंदर तो 60 आवर्स लगने चाहिए थे बट लगे कितने 45 आवर्स तो हमने टाइम सेव कितना करके दिया 15 घंटों का अच्छा पॉइंट नंबर टू वेज रेट इसके अंदर कितना गिवन है पर आवर 81 तो पूरे 45 आवर्स का गिवन है तो एक घंटे का कैसे निकलेगा 81 डिवाइडेड बाय 45 आवर्स विच इज इक्वल टू रुपीज 1.8 पर आवर कोई डाउट्स हैं कैलकुलेशंस के अंदर अभी कॉपी नहीं करना अभी मैं कॉपी करने का टाइम दे देता हूँ अच्छा हेल्थ स्कीम का कुछ इस तरीके इन फॉर्मेट इसका फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा
एक तो बेसिक वेजेस आ जाएंगी, और इसके अंदर बेसिक वेजेस कैसे हैं, आर्ली बेसिस पे। फिर इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, बोनस। बोनस क्या डिफरेंट होगा दोनों का, बिल्कुल उसे क्या निकल के आ जाएंगी, टोटल अर्निंग्स। जब इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल आर्स के साथ इफेक्टिव आर्ली रेट निकल के आ जाएगा, डाउट्स। जब बेसिक वेजेस कैसे दोनों में सेम रहेंगे, अलग अलग होंगी, सेम ही रहेंगी, ये तो गिवन भी है, 81 रुपीज, ये तो गिवन ही है, इसके अंदर कोई डाउट्स है हमें, ये समझ में आता है। अच्छा बोनस के लिए क्या कह रहे हैं, इसके अंदर 50% इंटू टाइम सेव, टाइम सेव कितना था 15 घंटे, और इसका रेट क्या था 1.8। कोई डाउट्स, रॉ वन के अंदर क्या होगा, टाइम टेकन कितना है 45 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू ब्रैकेट तो सेम ही रहने वाला है, कितने कितने अमाउंट्स आ गए, 13.5 20.25, इनको ऐड किया, ठीक है 0.1, तो टोटल अर्निंग्स हो गई। आवर्स कितने काम किया, 45 आवर्स, यहाँ पे भी 45 आवर्स, 2.1 रुपीज़ पर आवर, ₹2.25। और ये तो हमें पहले पता लग गया था यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये तो कंक्लूजन ऊपर निकाल ही चुके हम, समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स हैं इसके अंदर, सबको क्लियर है, वेरी गुड, इसको कॉपी कर लेना। अभी इसको कॉपी कर लो, फिर मैं पीछे वर्किंग नोट दे देता हूँ कॉपी करने के लिए। क्या चीज, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम पे की जाए तो अगर आप एम्प्लॉयर कंपनी के हिसाब से तो फिर स्कीम दूसरी वाली बेटर रहेगी, बट ये उसके हिसाब से वर्कर के हिसाब से चल रहे हैं, लेबर के हिसाब से बिल्कुल कंपनी डिसाइड करती है, बट जैसे लेबर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं हम यहाँ पे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, लेबर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं बस, तो कंपनी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के अंदर जो मांगा गया इफेक्टिव आर्ली रेट मांगा गया है, और ये जो व्यू पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेबर लिखवाया गया है। अगर आपको कंपनी का पूछा जाए तो आप इसका ऑपोजिट लिख दो, बात तो एक ही, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता है। पूछा नहीं तो लेबर का पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे आप कि कौन सी स्कीम पिक करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हाँ मतलब क्या चीज़ दोबारा से, उनसे डिस्कस करके लेबर यूनियंस के साथ डिस्कस करके फिर रखी जाती है स्कीम बोनस की क्या रहेगी। चलो जिनका भी हो गया हो, क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंदर कई ऐसे टर्म्स आ रहे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। जॉब कैन बी कंप्लीटेड आइदर थ्रू वर्कर ए या बी। ए टेक्स 32 आवर्स, यानी कि एक्चुअल टाइम हो गया 32 आवर्स ए के लिए टू कंप्लीट द जॉब, वाइल बी फिनिशेज इन 30 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 40 आवर्स। तो ए कितना बचा के दे रहे हैं 8 आवर्स, और बी कितना बचा के दे रहे हैं 10 आवर्स। द आर्ली वेज रेट इज सेम इन बोथ फॉर बोथ द वर्कर्स। चाहे हम ए रखें चाहे बी रखें, आर्ली वेज रेट जो कंपनी पे कर रही है वो सेम ही रहेगा। इन एडिशन वर्कमैन ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्से प्लान, वाइल बी इज पेड बोनस एज पर रॉबन प्लान। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट्स नहीं है, यहाँ तक सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो बोल रहा है। ये टर्म आता है वर्क्स, द वर्क्स ओवरहेड, द वर्क्स ओवरहेड। पहले तो ये टर्म आता है ओवरहेड्स का, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, सर के ऊपर से जाना। बच्चों जब हो जाता है ना दिन में चार चार क्लास, तो सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है ना, वही होता है ओवरहेड। लिखें इसको, लिखो बच्चे कह रहे लिख के दिखाएंगे। ओवर दी हेड मतलब, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से जाना। लिखो लिखो शाबाश नलायक बच्चों। नहीं लिखना है, किसने भी लिखा है काट देना। ओवरहेड्स का मतलब एक ना ये कॉन्सेप्ट है, ओवरहेड्स एक कॉन्सेप्ट है और इसको ध्यान से समझना। जैसे हमने लेबर का चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने लेबर को क्लासिफाई किया था बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसी तरीके से और भी कॉस्ट होती हैं जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितने भी हम इनडायरेक्ट, फोन रख दो अंदर, हाँ जी क्लास के बाद खेलेंगे गेम्स। बच्चों की ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कह रहे हैं कॉन्सेप्ट होता रहेगा, पहले पबजी खेलेंगे हम। चलो एनीवेज यहाँ पे फोकस करेंगे हम। सुबह सुबह उठ के आए थे ठंड के अंदर, मुझे इतनी ठंड में बुलाया आपने, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। तो जब हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो ओवरहेड के अंदर सब चीजें आ जाती हैं जो इनडायरेक्ट होती है, जैसे इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका नेक्स्ट चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है। जब हम सारे इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ देते हैं, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो ओवरहेड जनरेट होता है। ओवरहेड एक बड़ा टर्म हो गया, मान लो ओवरहेड सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट सब कुछ जोड़ के ओवरहेड बन गया। फिर ना हम ओवरहेड को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। कंपनी में फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा उसको क्या बोलेंगे, फैक्ट्री का ओवरहेड। कंपनी के ऑफिस में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा उसे क्या बोलेंगे, ऑफिस ओवरहेड। कंपनी के सेलिंग का इनडायरेक्ट खर्चा उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग ओवरहेड। समझ पा रहे हैं ये चीज, समझ पा रहे हैं ये चीज। तो अगर मैं कहता हूं फैक्ट्री ओवरहेड, इसका मतलब क्या निकल के आता है, फैक्ट्री में होने वाला
इनडायरेक्ट खर्चा. एग्रीड, यहां तक कोई डाउट्स तो नहीं है. उसी का एक और नाम होता है वर्क्स. वर्क्स का मतलब इसको हम फैक्ट्री का ओवरहेड बोल सकते हैं. इसके और नाम होते हैं प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग. तो वर्क्स ओवरहेड का मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट खर्चा, उसको बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड. अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं समझाया और अभी भी नहीं समझाऊंगा. अभी सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही आपको समझ के चलना है. इसका पूरा एक चैप्टर है जिसको पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी के लिए जितना यहाँ पे लिखा है सिर्फ आपको उतना ही समझ में आना चाहिए. द वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे आर एब्जॉर्ब ऑन द जॉब, मतलब काम के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, उनसे रिकवरी की जाती है एट द रेट 7.50 पर लेबर आर वर्कड. जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटों के हिसाब से इनडायरेक्ट खर्चे भी जोड़ दे जाना. क्यों जोड़ना, कैसे जोड़ना, वो एक अलग चीज है, बट जोड़ने हैं आपने. यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट्स? ये वाली दोबारा से. द वर्क्स ओवरहेड मतलब द फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द जॉब, यानी कि काम, जॉब का मतलब होता है वर्क, जो आप वर्क कर रहे हो उन पे एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उसके ऊपर चार्ज करेंगे. जब हम अपने जॉब का यानी कि वर्क का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट खर्चों का भी इतना हिस्सा चार्ज कर लेना आप. इसको अलग से करते हैं, ये इनडायरेक्ट का हिस्सा अलग से करते हैं. ये कैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस ओवरहेड के चैप्टर में आएगा, बट इसकी रिकवरी करी जाती है. यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट्स तो नहीं? सेवन पॉइंट फाइव के अंदर बिल्कुल. जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, ये देखना, ये एक फैक्ट्री है. जो भी माल यहां फैक्ट्री से निकलता है, जैसे हम अंदर की तरफ क्या क्या भेजते हैं, मटेरियल, लेबर, बहुत सारे यहां पे लेबर लगाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे करते हैं. फिर फैक्ट्री से बन के कुछ बाहर निकलता है, इस बात से एग्री करते हैं आप सब? जो भी फैक्ट्री के अंदर सामान पड़ा हुआ होता है, जो भी इस पे खर्चा लगता है, उसी चीज की बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर चीज निकल रही है इसकी कॉस्ट कितनी है. एग्रीड? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो भी यहां से बाहर निकल रहा है उसको मैं फैक्ट्री कॉस्ट बोलूंगा? एग्रीड? yes. फैक्ट्री के और क्या नाम हो गए? फैक्ट्री के और क्या नाम हो सकते हैं? वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारे वर्ड्स मैंने अभी भी लिखवाए. तो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं. जो भी फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसका तो नाम क्या रख दिया हमने? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में होने वाले ओवरहेड. और डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से सीख रहे हैं हम? एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक डायरेक्ट लेबर लग गया. तो कहने का मतलब अगर मैं 1, 2 और 3 को जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट. यहां तक कोई डाउट्स? तो क्वेश्चन ने अभी तक हमें डायरेक्ट मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत बताया, डायरेक्ट लेबर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और फैक्ट्री ओवरहेड का बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट खर्चों को भी ना 7.5 रुपीज पर आर के हिसाब से जोड़ देना. यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं उसको 7.5 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे. अब कोई डाउट्स? क्लियर है यहां तक हमें? डन. द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द जॉब कम्स टू फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है द फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री से जो बाहर चीज निकल रही है उसका टोटल कॉस्ट 2600 रुपए आ रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कर, चाहे ए से कराओ चाहे बी से कराओ. जब ये सामान, जब ये जॉब फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 2600. यहां तक कोई डाउट्स? यहां तक क्लियर है हम? तो फिर इसमें ओवरहेड इंक्लूड है. हाँ, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर निकलेगा. आप मुझे बताओ, जब फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, हम फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ओवरहेड जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे. तो इस 2600 रुपए में जब फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है तो इसके अंदर ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है. यहां तक कोई डाउट? तो अगर हम रफली फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है. यहां पे वर्कर ए है और वर्कर बी है. यहां पे कुछ मटेरियल जुड़ेगा, लेबर जुड़ेगा और वर्क्स ओवरहेड जुड़ेगा. तो इनको जोड़ने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगा. एग्रीड? अब इसके अंदर हमें इसके बारे में कुछ डाटा गिवन है, इसके बारे में कुछ डाटा गिवन है और मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें. नेक्स्ट पेज पे लिखा भी क्या हुआ है?
फाइंड आउट आर्ली वेज रेट एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स पढ़ पढ़ के आप यहाँ तक पहुँच गए टॉप मार मार के। बच्चों की फेवरेट होती है मैथमेटिक्स, नहीं कॉमर्स वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा। तो मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ऐसे जब क्वेश्चन आते थे फाइंडिंग एक्स एंड वाई, जैसे फाइंडिंग कुछ भी करना होता था तो क्या ज्यूम करते थे इनको, लेट दिस बी इक्वल टू एक्स दैट बी इक्वल टू वाई, याद है ऐसे कुछ इक्वेशन बनाते थे। तो हम उसी तरीके से मटेरियल मान लेते हैं एक्स और आर्ली वेज रेट को मान लेते हैं वाई। यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा मुझे बताओ, चाहे मैं वर्कर ए से काम करवाऊँ चाहे बी से काम करवाऊँ, मटेरियल सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा? सेम ही लगेगा। तो दोनों जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, इसके अंदर कोई डाउट्स? ठीक है। अच्छा वेज रेट तो हमारा वाई है, यहाँ पे वर्किंग नोट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? क्यों यहाँ पे वर्किंग नोट क्यों बनेगा? क्योंकि इसके अंदर कौन सी स्कीम फॉलो कर रहे हैं? हेल्से की, और इसके अंदर रॉबिन की। इसी वजह से इसका वर्किंग नोट बनना चाहिए अलग से। वर्क्स ओवरहेड के लिए क्या लिखा हुआ है? 7.5 रुपीस पर लेबर आवर वर्कड। ए ने कितने घंटे काम किए? 32 आवर्स। और बी ने, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2600 26। अभी तक इक्वेशन में कोई डाउट जो बन के आ रही है? क्लियर है यहां तक हम? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ये है ए, ये रे बी। हमने वेज रेट को क्या मान लिया? वाई। दोनों के केस में सेम वेज रेट ही पे हो रहा है। आर्स अलाउड, अलाउड कितने घंटे हैं क्वेश्चन देके बताते हैं। ये तो आपको 40 आवर्स। आवर्स टेकन 32 एंड 30, तो टाइम सेव्ड 8 एंड 10। अच्छा ए के अंदर हेल से अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे रॉबो, यहाँ तक कोई डाउट्स? अच्छा हेल से का क्या फॉर्मेट फॉलो किया था? पहले बेसिक वेजेस आती हैं, फिर क्या ऐड होता है इसमें? बेसिक वेजेस में क्या ऐड होता है? बोनस। फिर बोनस ऐड करने के बाद टोटल अर्निंग्स, यानी कि यहाँ पे टोटल वेजेस इस तरीके से लिख सकते हैं हम। मुझे बताओ बेसिक वेजेस कैसे निकालते हैं इसका? 32 वाई हो जाएगा, टाइम टेकन इंटू वेज रेट। कोई डाउट्स? बोनस कैसे निकलेगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वाई वेज रेट। कोई डाउट्स? यहां पे क्या हो जाएगा? और यहां पे क्या हो जाएगा? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वाई। कोई डाउट्स इसके अंदर? तो ये कितना हो गया? 36 वाई, और ये कितना हो गया? 30। क्लियर है यहां तक हम? ये समझ में आया? तो इसकी इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगी? x प्लस 36y प्लस 7.5 इंटू 32 कितना हो गया? 240 इक्वल टू 2600। ये हो गई इक्वेशन वन। x प्लस 37.5 y प्लस 225 इज इक्वल टू 2600। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। सॉल्विंग वन एंड टू, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। बताओ कौन बताएगा ये? बच्चे कह रहे हैं हम बताएंगे। आप बैठो सर आराम से, बहुत मेहनत की आपने आज। वाई आ भी गया, वाई कितना?
अच्छा वाई टेन रुपीज 10 पर आवर, और एक्स ठीक है 2000 रुपीज। यहाँ एक समझ में आ रहा है, फटाफट से इसको कॉपी करेंगे। जिनको भी ये सॉल्विंग में, अच्छा ये ध्यान रखना, जिनको भी ये इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है इसको प्लीज इसको क्लियर आउट कर लेना कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्योंकि आगे जाके भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर कोई शर्माने वाली बात नहीं कि हाँ हमें नहीं आता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको, मैं पहले बैच है जिसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कहीं सीए स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, ये प्रॉब्लम आती है कि सॉल्व कैसे करना है। बेसिक्स क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, बट आप अभी इनको क्लियर कर लें। तो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है इनको सॉल्व करने में तो मुझे बताएं, क्लास के बाद एक हल्का सा मैं इसको समझा दूंगा। क्लियर है ये चीज़, बट ये क्लियर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में इसके चक्कर में नंबर कट जाए आपके। समझ में आ रहा है ये चीज़, तो इसको कॉपी कर लेंगे। ये डायग्राम की तो जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा हो समझने के लिए तो आप कॉपी कर सकते हैं। अभी करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलें। साइकोमेट्रिक कौन सी स्कीम, मतलब ऐसे कौन सा बन गया।
क्या होता है कि स्कीम्स ना और भी बहुत सारी आती हैं, तो जैसे कि कई जो इकोनॉमी सारे रिफाइन करके कुछ स्कीम्स शॉर्टलिस्ट होती हैं। अब जैसे आप कंपनी के हिसाब से बात करें कि कंपनी को कौन सी स्कीम अप्लाई करनी है, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट डिस्कस करती होगी अपने आपस में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मेन तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अप्लाई करना होता होगा, तो अपनी लेबर को मोटिवेट करने के लिए, जो उनको लगता है कि लेबर यूनिट, जैसे एक मान के चलो मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग चल रही है या मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है, तो उसके अंदर ना लेबर यूनियंस के भी रिप्रेजेंटेटिव होते होंगे, क्योंकि लेबर यूनियन के, लेबर के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो वो डिस्कशन के थ्रू जो लेबर और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये स्कीम ठीक रहेगी। अगर सिर्फ मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्कीम निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेबर काम नहीं करेगी उसमें। अगर सिर्फ लेबर ओरिएंटेड काम करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा निकल के आएगी। कॉम्बिनेशन मतलब डिस्कशन के थ्रू फाइनली डिसाइड होता है। जिनका भी ये हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ सकते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 9। चलो जिनको भी समझ में आ गया ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करके दिखाते हैं आप सब। तो 50 रुपये
टोटल अर्निंग्स करेक्ट एक्स कितना निकल के आ रहा है देखते हैं अभी कितना क्या चीज थ्री आंसर करेक्ट है एक्स कितना निकल के आ रहा है अच्छा जी जिसको भी डाउट है इधर फोकस करना हमने एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू एक्स मान लिया है एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू एक्स मान लिया तो टाइम अलाउड 4 आवर्स था टाइम सेव्ड हो गया 4 माइनस एक्स यहां तक कोई डाउट यहां तक क्लियर है अच्छा बेसिक वेजेस कैसे होते हैं 30 रुपीज तो हमें गिवन है वेज रेट इंटू एक्चुअल आवर्स एक्स ठीक है चीज अब रॉबन प्लान फॉलो हो रहा है तो टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट कोई डाउट इसके अंदर क्लियर है यहां तक इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल अर्निंग्स निकल के आएगा डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे तो इफेक्टिव आर्ली रेट निकल के आएगा जो गिवन है हमें 37.5 इसको सॉल्व करेंगे तो x यानी कि एक्चुअल आवर्स 3 आवर्स निकल के आ जाएगा इस तरीके से सॉल्व होगा अभी तक कोई डाउट्स सबको क्लियर है ये यहाँ तक समझ में आया अच्छा बट क्वेश्चन की कौन से वाला ये बोनस बोनस वाला अच्छा ये वाला ठीक है टोटल अर्निंग्स को जब हम एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करते हैं तो इफेक्टिव आर्ली रेट निकल के आता है ठीक है जी ये तो फॉर्मेट समझ में आता है टोटल अर्निंग्स ये इक्वेशन निकल के आ गई यानी कि बेसिक वेजेस प्लस बोनस इसके अंदर कोई डाउट्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स एक्स अज्यूम किया था तो 37.5 के बराबर हो जाएगा ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है वॉट वुड हैव बीन द टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव आर्ली रेट हैड ही बीन पुट ऑन हेल्से इंसेंटिव स्कीम तो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स ध्यान से पढ़ के आपको उसको भी सॉल्व करना पड़ता है बात है नहीं टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट करो इधर ध्यान दो क्या हो गया कुछ बात लग रही है तो बताओ चलो इधर ध्यान देना इतनी सुबह सुबह उठ के आए हो और बातें स्टार्ट हो जाते हो अभी ब्रेक मिलेगा अच्छे से बातें करना पूरे 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा अटेंशन आराम से बातें करना तो अभी इधर फोकस करना अच्छा ज़्यादा बोल दिया मैंने कह रहे 10 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया सर इतनी आदतें मत बिगाड़ो हमारी 7.5 मिनट के अंदर हम एनर्जी 7.5 मिनट के अंदर एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है हमारी फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं फिर एक क्लास फिर 7.5 मिनट फिर दूसरी क्लास क्या नहीं होती एनर्जी देखो कितने एनर्जेटिक बच्चे हैं ये हमारा यूथ बैठा है यहाँ पे इतने एनर्जेटिक यूथ चलो अब इसके अंदर फर्दर हम क्या निकालेंगे टोटल अर्निंग्स एज पर
हेल्थ से प्लान भी निकाल देंगे, फटाफट से निकाल दो। चलो बातें नहीं अब। हाँ जी हाँ जी, बस बस, अरे संभालो। थर्टी फाइव ये आता फाइव मार्क्स, फाइव मार्क्स। डन, जिन्होंने भी कर लिया हो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ सकते हैं। कॉपी कर लिया सबने, टर्न कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखना, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें नहीं आएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सभी इधर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर फॉर अ वीक अंडर, चार मेथड्स के अंदर निकालना है इसको। स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, हेल्से प्रीमियम एंड रॉबन प्रीमियम स्कीम। हेल्से और रॉबन से तो आप फेमिलियर हैं। अच्छा, हेल्से और रॉबन जो अभी तक हमने स्कीम पढ़ी, ये बोनस स्कीम टाइम पे बेस्ड है या फिर पीस पे बेस्ड है? पीस पे, टाइम पे, टाइम पे बेस्ड है अभी तक, क्योंकि हम बेसिक वेजेस जो पे कर रहे हैं वो भी आर्ली बेसिस वाले पे है। उसके हम बोनस भी जो जोड़ रहे हैं वो आर जितने बचाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही निकल के आ रहा है। कई स्कीम्स आगे जाके आएंगी जो पीस बेसिस पे भी होंगी। अभी के लिए पीस का मतलब क्या होता है, जितना आपने आउटपुट बनाया उसके अकॉर्डिंग, पर आउटपुट के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, उसे बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? तो तीन टर्म्स हमें पिक हो गई। अच्छा, डिफरेंशियल पीस रेट का क्या मतलब हुआ, ये तो समझ में आ गया। पीस रेट मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, डिफरेंशियल का मतलब अलग पर्सन को अलग तरीके से पेमेंट होगा। समझ पा रहे? अगर रफली बात करूं, अगर कोई एफिशिएंट बंदा है तो उसको पर यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग ज्यादा पेमेंट होना चाहिए,
एक पीस बनाएगा ज्यादा पेमेंट, दो पीस बनाएगा तो उसको हर पीस के अकॉर्डिंग ज्यादा पेमेंट होना चाहिए, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। समझ पा रहे हैं ये चीज? अगर कोई कम एफिशिएंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अलग पीस रेट पे करना चाहिए, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। पहले इसका मतलब समझ में आया? इन चारों मतलब में तो कोई डाउट नहीं है, मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है इसका? चलो पहले से स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट पहले बार क्वेश्चन भी गो थ्रू कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वीकली वर्किंग आवर्स इज 48 आवर्स, ये 48 आवर्स एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? अच्छा इधर इधर जब क्वेश्चन डिस्कस करो प्लीज, तुम इधर, ये 48 आवर्स क्या है, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा हम ऐसा सोचते हैं कि 48 आवर्स काम करेंगे, एक्चुअल में क्या कुछ और काम करते हैं? एक वर्कर को यहाँ पे बोला हुआ है वीकली वर्किंग आवर्स 48, मतलब एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करना ही पड़ेगा, ये तो एक्चुअल आवर्स हो गए ना। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? इसके अंदर कोई डाउट्स हैं? 48 आवर्स तो काम करेगा ही ना वो, तो ये क्या है, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? एक्चुअल आवर्स। आर्ली वेज रेट, तो ये वेज रेट के अकॉर्डिंग 7.5 रुपीज पे कर रहे हैं, पीस रेट के अकॉर्डिंग 3 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है नॉर्मल टाइम टेकन पर पीस, नॉर्मल टाइम मतलब इतना टाइम लगना चाहिए है, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड टाइम। और ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड टाइम क्या गिवन है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यहां तक कोई डाउट, यहां तक हम क्लियर है? नॉर्मल आउटपुट पर वीक 120 पीसेस का, नॉर्मली इतना आउटपुट होना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना आउटपुट है 150 पीस का। समझ पा रहे हैं ये चीज? तो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट ऑन ऑल पीसेस 80% ऑफ द पीस रेट, मतलब 80% ऑफ पीस रेट मतलब 80% इंटू 3, 80% इंटू 3 रुपीज पर यूनिट। ये समझ में आ रहा है? लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। When output is below normal, below normal मतलब efficiency 100% से कम होगी, जब efficiency less than 100% होगी तो 80% of 3 rupees पे करेंगे, पर पीस का रेट कितना हो जाएगा 2.4। समझ में आया ये? एंड 120% ऑफ पीस रेट मतलब 3.6 रुपीज, ये कब पे करेंगे हम, when output is above normal, यानी कि 100% से ज्यादा। यहाँ तक कोई डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाला जो डाटा, एक सेकेंड, ये वाला जो डाटा गिवन है डिफरेंशियल पीस रेट का, ये कौन से में अप्लाई होगा, स्ट्रेट पीस में या डिफरेंशियल वाले में? सिर्फ डिफरेंशियल के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रेट पीस का मतलब जितना आउटपुट बनाओगे पर यूनिट के अकॉर्डिंग लेते जाओ, इसके अंदर कोई बोनस नहीं दे रहे हम एफिशिएंसी का, बट डिफरेंशियल के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है आपकी एफिशिएंसी का, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा किसी को कोई डाउट्स अभी तक? एक सेकेंड, एक ये एक्चुअल में 48 आवर्स काम किया उसने और एक्चुअल में 150 पीसेस प्रोड्यूस किए। अब स्टैंडर्ड निकालने का मतलब ये होता है ये 150 पीस कितने टाइम में हो जाना चाहिए था, हुआ तो 48 आवर्स के अंदर ही, बट हो नहीं, इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में आप 48 आवर्स काम करेंगे और 48 आवर्स में आप कितने घंटों का काम कर देते हो, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। समझ पा रहे हो चीज? आप करो दोबारा से स्ट्रेट पीस रेट साथ साथ में सॉल्व करते जाएं, फिर कहीं डाउट्स होते हैं तो पूछ लेना, अभी कॉपी मत करना जिसको भी डाउट्स है। इधर स्ट्रेट पीस रेट का मतलब जितना हमने आउटपुट बनाया, इनपुट वेरी करता था कि 8 आवर्स में काम कंप्लीट हो गया, 10 आवर्स में
इसमें टाइम फिक्स है और आउटपुट जितना बना रहा है वो हमारे ऊपर है। अच्छा आप मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ। वो हेल से रॉबन में जब अप्लाई होगा ना मैं उसको पिक कर लूंगा जब एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी के लिए स्ट्रेट पीस पे चल रहे हैं हम। स्ट्रेट पीस रेट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। क्या यहाँ पे कहीं बोनस की बात कर रहा हूँ मैं? इनको बुला देना। यहाँ पे कहीं बोनस की बात हो रही है? नहीं। एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा? 150 पीसेस का। और एक यूनिट के लिए हम कितने रुपए पे कर रहे हैं? ₹3 पर पीस, तो कितना हो गया? ₹450। कोई डाउट यहाँ तक? तो हम इसको ₹450 पे कर रहे हैं और हमें सिर्फ अर्निंग्स ही निकालनी है। यू रिक्वायर टू वर्क आउट दी अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स उसके ₹450। यहाँ तक कोई डाउट? पार्ट नंबर बी आ जाता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब हमने जो एक्चुअल आउटपुट बनाया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल पीस रेट से। हमने जो एक्चुअल आउटपुट बनाया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिफरेंशियल पीस रेट से। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब क्या यहां पे एफिशिएंसी का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके बारे में कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। तो एक्चुअल आउटपुट तो हमें 150 पीसेस का ही है और डिफरेंशियल के लिए हमने एक वर्किंग नोट बना दिया नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पे बोल रहे हैं हमारी एफिशिएंसी के बारे में और उसके अकॉर्डिंग पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। पहले बताओ हमारी एफिशिएंसी कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या पिक कर सकते हैं हम? एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 150 पीसेस डिवाइड बाय 120 पीसेस इनटू 100, ये कितना हो गया? 125%। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी के अबव आप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि व्हेन आउटपुट इज अबव नॉर्मल, तो आपको कितना पीस रेट मिलेगा? 120% इनटू नॉर्मल पीस रेट, जो नॉर्मल कितना है? 3। तो ये 3.6 रुपीस पर पीस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा आपको। इसके अंदर कोई डाउट? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्ट्रेट पीस रेट के अंदर कोई एफिशिएंसी का इफेक्ट नहीं आया, डिफरेंशियल के अंदर एफिशिएंसी का इफेक्ट आ रहा है, हेंस उसका नाम है डिफरेंशियल। अलग अलग बंदे को अलग अलग तरीके से पीस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। कोई डाउट्स? तो ये 3.6 ऊपर चला गया। क्या चीज? 100% से ज्यादा है या 100% से कम है? बिल्कुल, वो तो देखते ही पता लग रहा था, बट थोड़ा डिटेल में समझा दिया बस मैंने। ऑन ऑल पीसेस यहां तक क्लियर है हमें? ये कितना आ गया आंसर? कितना? 540 रुपीज। अच्छा आप ध्यान से इधर सुनना, अगला वाला पार्ट मैं से बोलते जाऊंगा, आप मुझे वैल्यूज बताते जाना। एक बार मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ क्योंकि हेल से रॉबन की बात हो रही है यहाँ पे। इकट्ठे बना लेते हैं हेल, या फिर अलग अलग भी बनाते हैं, हेल से अलग रॉबन अलग। फटाफट से बताओ टाइम टेकन कितना है? सब बोलेंगे इस बार, अब खत्म होने वाला है ये टॉपिक। 48 आवर्स। अच्छा टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स। ये निकाला कैसे देखते हैं? हमने एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 24 मिनट। तो 150 यूनिट यानी कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? 150 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट। हाँ या ना? yes, समझ में आया ये? yes, इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आवर्स में निकल जाएगा आंसर। तो कितना हो गया ये? 60 आवर्स। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? yes, किसी को डाउट है इसके अंदर? अच्छा तो टाइम सेव कितना हो गया? सॉरी 12 आवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम हेल से रॉबन अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा हेल से रॉबन पीस पे होता है, वेजेस पे होता है, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग्स किस तरीके से निकल के आएगी? एक तो आएगी बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस कितनी हो जाएगी? 48 आवर्स इंटू 7.5 या 3 रुपीज़, 7.5 आर्ली रेट प्लस बोनस 50/100 इंटू 12 इंटू 7.5, तो ये टोटल अर्निंग्स निकल के आ जाएगी। एक सेकेंड, ये कितना आ रहा है?
और ये 405, कोई डाउट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट बी पार्ट, अगेन सॉरी डी पार्ट, कॉमन कैलकुलेशंस तो करने की जरूरत नहीं है, रॉवन के सीधा मेन कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं, बेसिक वेजेस तो सेम ही रहेगी 360, प्लस बोनस के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना 48 डिवाइड बाय 60 इंटू 12 इंटू 7.5 कट आउट इसके अंदर, क्लियर है यहां तक हम? चलो बिल्कुल नहीं है वहां पे, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 150 नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, 120 से ज्यादा ही दिख रहा है आपको, तो निकालने की जरूरत नहीं थी, बट समझाने के लिए मैंने निकाला। अच्छा 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 अरे लड़ो मत, लड़ो मत, अभी सब हो गया। आज कह रहे हैं आज तो सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सर। सभी क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन तो बनता है, सभी कहते हैं ना, पीछे वाले क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है ना, देखा कनेक्शन देख रहे पीछे वाले बच्चे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा बस 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 बात है संभालो, डन सर।
बैन डन बड़े आगे डन कॉपी हो गया डन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अच्छा एक शर्त पे चलो ऐसा करेंगे नहीं होमवर्क के तौर पे आपने क्या करना है ध्यान रखना आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्लास में आपने घर जाके इसको रीड करना है गो थ्रू करना है इनके अंदर पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो मैंने देखा है मतलब यूजुअली ये रहता है कि होमवर्क करने के चक्कर में वो रिवाइज भी नहीं करते तो आपने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनको ऐसे रिवाइज करो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लियर हो तो आपने इनको रिवाइज करके आना है इनके कोई भी डाउट्स आप पूछेंगे बट अभी के लिए क्या करेंगे पहले सुन लेना आप सब पे डिपेंड करता है कि क्लास आगे जाएगी या नहीं जाएगी कैसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स किए और क्लास क्लास में किए थे अगर सबका ठीक आया सबका ध्यान रखना एक नन्ही सी भी आवाज आई ना जो गलत बोल रही होगी तो उसी को पकड़ के मारना मेरे को मत बोलना फिर वत्सल आप ही बोलेंगे चलो इनको छोड़ के बाकी सब बोलेंगे अब सभी ध्यान रखना कि सभी यहाँ पे ना रिविजन कराने जा रहा हूं मैं इससे क्या रहेगा कि आपका जितना भी आज समझा है आपको बहुत क्लियरली मतलब कि आपके दिमाग में एक प्रिंट बैठ जाएगा तो वाकई में मैं बोल रहा हूँ अगर गलत आया आंसर तो मुझे मत बोलना मैं अगला क्वेश्चन करवा भी दूंगा पहले करवा दें पहले रिवाइज करेंगे अगर गलत आया फिर अगला क्वेश्चन चलो इधर फोकस करते हैं अब मुझे बताओ हमने लेबर कॉस्ट की बात की थी तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है सिर्फ बेसिक वेजेस क्या क्या जुड़ जाता है उसके अंदर बाकी सारे अलाउंसेस जितना भी हम पे कर रहे होते हैं उसको अच्छा एफिशिएंसी के दो फॉर्मूलाज थे एक था इनपुट बेस्ड और एक आउटपुट यानी कि टाइम बेस्ड और आउटपुट बेस्ड जब हम इनपुट यानी कि आवर्स बेस्ड की बात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला था अच्छा और जब हम आउटपुट बेस्ड की बात कर रहे थे कई बच्चे ना ऐसे भी होते हैं हाँ अगली बार मुझे लगता है टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी चलो एनीवेज हमने उसके बाद बात की थी स्ट्रेट पीस रेट की और हमने बात की थी वेजेस की जब वेजेस की बात करते हैं वेज रेट की बात करते हैं तो वेज रेट में कैसे पेमेंट होती है आर्ली बेसिस पे और पीस के अंदर आउटपुट बेसिस पे जितना आउटपुट बनाया उसके अकॉर्डिंग दो टर्म्स के बीच में फर्क आता है एक तो पीस रेट के बीच में और एक डिफरेंशियल पीस रेट के बीच में स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल क्या कुछ फर्क होता है दोनों में yes, अच्छा कहाँ पे एफिशिएंसी को कंसिडर किया जाता है yes, और कहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता yes, अच्छा हेल्से और रॉबन की बात हो रही है कौन सी वाली स्कीम के अंदर 50% बोनस दिया जाता है yes, और दूसरे वाले के अंदर कैसे पे होता है टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे
कि हमारा टाइम सेव्ड इज लेस देन हाफ ऑफ टाइम अलाउड, तो कौन सी स्कीम पिक करनी चाहिए? रॉबन या हेल से? मतलब वर्कर के हिसाब से, लेबर के हिसाब से रॉबन। अच्छा मैं ऐसे पूछता हूं, अगर टाइम टेकन इज मोर देन हाफ ऑफ टाइम अलाउड, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पीछे, लिखे आपने एग्जाम्पल, लिखे दिखा दो एग्जाम्पल एक बार। अच्छा बताओ रॉबन या हेल से? हेल से रॉबन। रॉबन पक्का? अच्छा इफ टाइम टेकन, अब तो उल्टा को छुपाना पड़ेगा। लेस देन हाफ ऑफ टाइम अलाउड, तो ये कौन सा हो जाएगा? हेल से। चलो एक फटाफट से एक नोट लिखेंगे छोटा सा रजिस्टर्स के अंदर, फिर ऑफ करते हैं। एक छोटी सी स्कीम और होती है हेल से वेयर, उसके अंदर क्या है कि हेल से वेयर अभी लिखवाता हूँ, उसके अंदर क्या है कि जैसे आपने अभी तक जितनी भी स्कीम्स पढ़ी है, हेल से के अंदर आपने क्या पढ़ा था, बोनस कितना पे किया जाता है 50%, उसके अंदर हेल से वेयर के अंदर सिर्फ इस 50% को हटा के 30% कर दिया गया है, बाकी सब सेम है। समझ पा रहे हैं चीज़? तो लिखना है इसको, नहीं नहीं लिख लो, क्या होता है कि बाद में जो क्वेश्चन आते हैं इसके फिर कन्फ्यूजन रह जाएगी आपको। लिखना हेल से वेयर, डब्ल्यू ई आई आर, हेल से डैश वेयर, डब्ल्यू ई आई आर, हेल से वेयर बोनस स्कीम। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम बेसिक वेजेस आर पेड ऑन द बेसिक वेजेस आर पेड ऑन वेज रेट फुल स्टॉप एंड बोनस इज पेड एज फॉलोज। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।